तो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सी जी पी ए इसकी फुल फॉर्म क्या है? सी जी पी ए फुल फॉर्म नो आइडिया। सी का मतलब कम्युनिकेटिव, सी जी पी ए का कभी कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था हमें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो का नाज़रीन जो टॉपिक है वो है जी एक ऐसा टॉपिक है जो कि यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू होने से यूनिवर्सिटी लाइफ ख़त्म होने तक आवाम उसी के पीछे भाग रही होती है। ये आवाम की खुशी का बायस भी बनती है और गम का बायस भी बनती है। ये है जी सी जी पी ए। सी जी पी ए एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आवाम स्टूडेंट्स जो है वो मिनते तरले तक करने आ जाता है। वो रो रहा होता है, वो खुश हो रहा होता है, सारा कुछ इसके वजह से। तो आज हम कैफ्यूट की आवाम से पूछते हैं कि आपको सी जी पी ए की जितनी कदर है कि ज़्यादा आनी चाहिए, पेपर में मेहनत करिए, जो कुछ भी किया सी जी पी ए के लिए, लेकिन क्या आवाम को इसका मतलब पता है? तो वो जानते हैं इस वीडियो में। हम स्टूडेंट से बात करेंगे, देखते हैं कितने लोग इसका मतलब जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कॉन्टेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। भाई जान क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम मीर अब्दुस्सलाम है। अब्दुस्सलाम कौन से डिपार्टमेंट और कौन से सेमेस्टर से हैं आप? यार मेरा ना डिपार्टमेंट तो आपको पता है आईआर है और सेमेस्टर आपकी तरह लास्ट ही है, साथ ही है। तो अब्दुस्सलाम मुझे ये बताएं आपकी, अब आपका लास्ट है, आठवां सेमेस्टर है, तो सात सेमेस्टर की आपकी सी जी पी ए क्या है? सी जी पी ए ये सच सच बताना है यार? कुछ भी बोल सकते हैं आप। यार जी पी ए मेरी ना बस इतना समझ लेंगे 3 से प्लस नहीं हुई, बिल्कुल लिमिटेड रही है, नॉर्मल जैसे होती है ना एवरेज स्टूडेंट वैसे रही है, 2.8 तक, 7 तक, 9 तक बस। चलें सी जी पी ए आपकी जितनी भी है, सवाल मेरा यह है कि जो सी जी पी ए है, सी जी पी ए स्टैंड फॉर क्या करती है? सी जी पी ए जी, सी जी पी ए यार ये एक मिनट सोचें, सेंट्रल, ठीक है, सी जी पी ए सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब, सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब, हाँ ऐसे ही होगा। सी जी पी एसी असिस्टेंट। यार सात सेमेस्टर में हम लोगों ने ना जो पढ़ा है ना पॉलिटिक्स पढ़ी है, तो ये सी जी पी ए का कभी कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था हमें। पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया? आ गया। पहले सेमेस्टर में क्या सी जी पी ए बनी है? बताने वाली तो नहीं थी मगर 3 आई है फिर भी। चले माशाल्लाह अच्छी सी जी पी ए। आप मुझे ये बताएं कि जो आपकी सी जी पी ए 3 आई है, इस सी जी पी ए का मतलब क्या है? इसका मतलब तो नहीं पता, बस आ गई है। जी भाई आपका क्या नाम है? अवैस इकबाल। अवैस इकबाल। आपकी सी जी पी ए क्या है? मेरी 2.1 फर्स्ट सेमेस्टर। आप मुझे बताएं कि सी जी पी ए स्टैंड फॉर क्या करता है? मुझे भी नहीं पता, बस जैसे भाई है वैसे मैं हूँ, सेम। जी भाई। जी सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुहेब। आपकी सी जी पी ए क्या चल रही है? 3.2। तो जुहेब सी जी पी ए की फुल फॉर्म क्या है आपको पता है? क्या नाम है भाई आपका? कासिम अली। कासिम कौन सा डिपार्टमेंट और सेमेस्टर से हैं आप? मैं फोर्थ सेमेस्टर है, मेरा मैथ्स कम्युनिकेशन। फोर्थ सेमेस्टर है, यानी कि 3 सेमेस्टर आपने पास कर लिए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 3 सेमेस्टर की आपकी सी जी पी ए क्या है? मेरी इम्प्रूव हो रही है माशाल्लाह स्टार्टिंग से ही, अभी मेरी रिसेंटली जो चल रही है वो है 3.43। दैट्स ग्रेट, काफ़ी अच्छी सी जी पी है। कैसे हासिल होती है ये, क्या करना पड़ता है इतनी सी जी पी हासिल करने के लिए? इसके लिए ये है कि दिन रात सोना पड़ता है। अच्छा, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी, जस्ट अल्लाह पे भरोसा रखो, चिल मोड़ो और आ जाएगी। सी जी पी ए फुल फॉर्म क्या है इसकी? सी जी पी ए नहीं, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। सी जी पी अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। यार ये तो वैसे सीखने वाली बात है। तो आपसे सवाल ये है कि 5 सेमेस्टर जो आपने गुजारे हैं और इतनी सी जी पी हासिल कर लिया है, सी जी पी ए की फुल फॉर्म क्या है? सी जी पी ए की फुल फॉर्म सी कैट जी
चीफ ऑफ ग्राउंड ग्राउंड पी ऑफ पाकिस्तान पीए पर्सनल असिस्टेंट पीए पर्सनल असिस्टेंट मस्ती कर रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर में हूँ आप, दो सेमेस्टर की सीजीपीए क्या है आपकी? दो सेमेस्टर की सुमरान भाई ओरिजिनल बताऊं? कुछ भी बता सकते हो आप। चलो ओरिजिनल ही बता देता हूँ, 3.1। माशाल्लाह बहुत अच्छी है। इस सीजीपीए का राज क्या है, कैसे आ सकती है ये? सुमरान भाई ये आ सकती है, 3.1 तो आ सकती है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? नहीं कुछ नहीं करना पड़ता, जो आप सोच रहे हो वो नहीं करना पड़ता। मैं क्या सोच रहा हूँ, मतलब मेहनत करनी पड़ती है, आप ये बताओ ना, क्या कुछ और करना पड़ता है? नहीं मेहनत करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी के बाहर घर बैठ के। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अच्छा आप ये बताएं कि CGPA की फुल फॉर्म क्या है? CGPA का CGPA का फुल फॉर्म है GP से तो मतलब है कि ग्रेडिंग पॉइंट। अच्छा सी का मतलब जो है ना क्लास कमुलेटिव कमुलेटिव क्लास ग्रेड पॉइंट्स एक अभी नहीं मैंने रात देखा है कमुलेटिव। अच्छा हाँ कुछ ऐसा ही था। आगे कमुलेटिव कमुलेटिव ठीक है। सी जी ग्रामर 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 पी पॉइंट्स पॉइंट्स और ए है ना आगे एडिशन नहीं वो बोल रहा। ये बताएं CGPA इसकी फुल फॉर्म क्या है? CGPA अगर फुल फॉर्म का पता होता 2.1 होती है। नाम क्या है आपका? मोहम्मद जाजेब सुलंगी। कौन सा सुलंगी हैं आप? मैं माची सुलंगी हूँ। अच्छा हमने तो आपने कुछ और बताया था। और क्या मतलब, कौन सा डिपार्टमेंट और सेमेस्टर है आपका? मेरा BBA है, सेकंड सेमेस्टर है। यानी कि आपने पहला सेमेस्टर पास कर लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एफ शेफ लगाओ? नहीं नहीं ऐसे काम ही नहीं करते हम। सच बोल रहे हैं? बड़े अच्छे है, लाइक स्टूडेंट हैं हम। आप पहले सेमेस्टर में CGPA क्या बनी है? 2.6 बनी है CGPA। काफी अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम्हारे से तो अच्छी है। आप मुझे बताएंगे CGPA की फुल फॉर्म क्या है? CGPA की फुल फॉर्म सी का मतलब कम्युनिटिव कम्युनिटिव जी ग्रेड पावरफुल पावरफुल पी से ए से ए से ए फॉर एप्पल। CGPA क्या बनी आपकी? CGPA 3 से ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह इतनी CGPA हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है? बस थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। आपको है? अल्हम्दुलिल्लाह। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि CGPA इसकी फुल फॉर्म क्या है? CGPA फुल फॉर्म ये मुझे नहीं पता। ये कैसा नॉलेज है फिर? चलिए आप 3.4 मतलब काफी अच्छा नंबर है आपका। तो आप मुझे ये बताएं कि जो CGPA है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इतना मुझे नहीं। CGPA फुल फॉर्म नहीं पता। सी का मतलब है करंट, जी का मतलब ग्रेड है, करंट ग्रेड आगे फुल फॉर्म नहीं पता पूरी। तो करंट ग्रेड, इसमें ग्रेड को करंट लगता है? क्या CGPA बनी आपकी? CGPA आप ना ही पूछे तो बेहतर, फिर आप भी मैं झूठ भी बोल सकते हैं? नहीं नहीं झूठ क्यों बोलना, कोई ऐसी चीज थोड़ी है। 2.3 काफी अच्छी CGPA वाले स्पेशल में। अब मैं सवाल पूछता हूँ कि जो CGPA है इसकी फुल फॉर्म क्या है? यार वैसे जेन्युइन तो और होगी लेकिन मैं असल यूनिवर्सिटी के हिसाब से बताता हूँ, ये है CGPA की असल फॉर्म। CGPA की फुल फॉर्म क्या है? वो नहीं बताई अभी तक हमें किसी ने, आज पूछा था वो टीचर ने HOD के बाद भेज दिया था। क्या कह रहे थे कि बुक में नहीं लिखी? वो कहती है इररिलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड। हां इररिलेवेंट क्वेश्चन, मैंने भी एक दफा पूछा था ये क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड। किससे पूछा था? वो 5,000 का फाइन लगाया था उसने। उन्हें भी नहीं पता था? नहीं वो कहते कि DSA के पास चला जाओ। DSA से आपने पूछा? DSA से पूछा तो उसने तो फाइन लगाया था। बाकी कोई मशवरा आने जाने वालों के लिए? आए यार आप लोग भी हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं तो तुम भी होगे भाई। क्लास जूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर तो 3 सेमेस्टर में आपने फोर्थ कितनी GPA हासिल की? 2.9 है अभी तो। चलो माशाल्लाह। तो CGPA की मुझे फुल फॉर्म तो बताइएगा। Cumulative grade point average।
मुबारक हो, आप पहले शख्स हैं जिसने पूरा बताया। इनाम मेरा, आपका इनाम। कैमरा बंद करो यार भाई, को इनाम देना है। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि यूनिवर्सिटी में होते हुए साथ में आठवें सेमेस्टर में पहुंच के जिस चीज़ के पीछे भागा जा रहा है हमें उसका मतलब ही नहीं पता। अक्सर हम बड़ी रेस में जाके बाकी बड़ी बड़ी किताबों के पीछे बढ़ जाते हैं, हैवी नॉलेज के चक्कर में अब बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं कि हम और अक्सर जब कंपटीशन टेस्ट होते हैं उनके अंदर वो इतने सिंपल सवाल पूछ लेते हैं कि हमें उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो इतनी सिंपल होती है, लेकिन क्योंकि हमने उस पर गौर नहीं किया होता तो हम उसमें फ़ेल हो जाते हैं। तो लिहाजा छोटी सी छोटी चीज़ पर गौर करना चाहिए। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।